ऐसी महिलाएं जो जो सुहागन है, विधवा नहीं है, लेकिन उनको विधवा पेंशन मिल रही है। इस बारे में आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि विधवा पेंशन का जो सत्यापन होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक द्वारा होता है और शहरी क्षेत्रों में तहसील द्वारा होता है। ये ग्रामीण क्षेत्र का मैटर है, तो इसमें जो सत्यापन रिपोर्ट आई है अगर उसके आधार पर किसी ने गलत रिपोर्ट देके उनको लाभ दिलाने का प्रयास किया है तो जिम्मेदार व्यक्ति का उत्तरदायित्व तय करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में लाया गया है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा जांच में कुछ ऐसी महिलाओं को की शिनाख्त की गई है जो मैरिड हैं और जिनको पेंशन प्राप्त हो रही है, तो यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा पेंशन का अनुचित लाभ उठाया गया है तो वो कानूनी कार्यवाही का पात्र है। इसकी जांच सघनता से की जा रही है और इस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सरकार की लाभकारी योजनाओं का किस कदर दुरुपयोग किया जा रहा है इसका ताजा उदाहरण विधवा पेंशन मामले में देखने को मिला है, जिसमें एक ही गांव की 22 सुहागिन महिलाओं के मांग का सिंदूर पहुंचकर उन्हें कागजों पर विधवा बना दिया गया। नीरज श्रीवास्तव, ईटीवी भारत, सीतापुर।